Okay friends, now we'll begin with the question number 45 of CA1-SFM Forex Practice Manual. क्या कह रहा है क्वेश्चन? Columbus Surgicals Incorporation is based in US, has recently imported surgical raw materials from the UK and has been invoiced for the £480,000 payable in 3 months. It has also exported surgical goods to the India and France. The Indian customer has been invoiced for £138,000 payable in 3 months, and the French customer has been invoiced for €590,000 payable in 4 months. Current spot and the forward rates are as follows. ठीक है, ये rates दे रखे हैं 3 months forward के current money market rates दे रखे हैं. You as a treasurer manager are required to show how the company can hedge its foreign exchange exposure using forward market and the money market hedge and suggest which the best hedging technique is. Okay friends, देखो friends. सिंपल सा क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन ये कह रहा है, मैंने इंपोर्ट किया है गुड्स कितने का? 480,000 पाउंड का, ठीक है, और मैंने एक्सपोर्ट किया है गुड्स कितने का? 1,38,000 पाउंड का, ठीक है फ्रेंड्स. इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि मैंने वहां से गुड्स परचेस किए तो मुझे पेमेंट करना पड़े, सिंपल. और एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, मैंने वहां गुड सेल किए तो मुझे उसका पेमेंट रिसीव हुआ. और ये दोनों में क्या कंडीशन है? दोनों 3 मंथ की कंडीशन है, ठीक है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ. कैसे? मैंने इतने गुड्स इंपोर्ट किया है 480,000 का, मैंने एक्सपोर्ट कितना किया है 1,38,000, ठीक है. तो जब मैं इसको नेट करना चाहूँ 480,000 1,38,000, सो आई विल गेट 3,42,000 पाउंड. और मेरा कौन सा ज़्यादा? इम्पोर्ट. तो मैं ऐसा मान लूँ कि इम्पोर्ट मैंने कितने का किया नेट 3,42,000 पाउंड का. सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है. अब कैसा है फ्रेंड्स इसमें कि अब 3,42,000 पाउंड मैंने इंपोर्ट किया. पहले मैं सिर्फ यही गाने बता रहा हूँ पाउंड वाले, बाद में यूनिट वाले बन जाएंगे. अब इसमें कैसा है फ्रेंड्स, इसमें मेरे को क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी टेक्निक मैं अपनाऊँ, फॉरवर्ड हैज की या मनी मार्केट हैज की, तो मुझे बेनिफिट मिले उसमें, उतना पैसा कम पे करना पड़े मुझे, ठीक है फ्रेंड्स. तो इम्पोर्ट एटलास्ट मैंने किया 3,42,000 पाउंड का मैंने किया है, नेट आपको बता दिया. जब सेम मंथ्स हो और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस निकल सके तभी ये कर सकते हो. अगर सपोज करो इम्पोर्ट हो रहे थे गुड्स 4 मंथ्स के लिए और एक्सपोर्ट हो रहे 3 मंथ्स के लिए, तो मैं ये टेक्निक नहीं अपना सकता. लेकिन इसमें इम्पोर्ट भी गुड्स 3 मंथ के हो रहे थे और एक्सपोर्ट भी गुड्स 3 मंथ के हो रहे थे, इसीलिए मैंने ये नेट वाली टेक्निक अपनाई, सिंपल से, ठीक है. अब नेक्स्ट चलते हैं, कैसे करने का, ठीक. अब मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों लेता हूँ फ्रेंड्स, कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता कि आगे रेट बढ़ जाए तो मुझे ज़्यादा पैसा पे करना पड़े. तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ जिसमें मुझे इतना फिक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा जितना रेट चल रहा है फॉरवर्ड का, ठीक है. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते हैं. क्वेश्चन में गिवन है फॉरवर्ड 3 मंथ्स फॉरवर्ड जो पाउंड बाय यूएस डॉलर का 3 मंथ्स फॉरवर्ड है वो मुझे गिवन है 0.9520 एंड 0.9545, ठीक है फ्रेंड्स, ये मुझे गिवन है. अब मैं क्या करूंगा, अब अपन सोचते हैं बिल्ड आस्किंग कांसेप्ट से कैसे होगा. सॉरी, अब इसमें ऐसा है कि मुझे पाउंड पे करना है, मैंने इंपोर्ट किया गुड्स बाय किया तो मुझे पाउंड पे करना पड़ेगा. तो अगर मुझे पाउंड पे करना है तो मुझे पाउंड बाय करना पड़ेगा. अगर मुझे पाउंड बाय करना है तो बैंक को पाउंड सेल करना पड़ेगा, ठीक है. ये इतना समझ में आएगा, बैंक पाउंड सेल करेगा मैं पाउंड बाय करूंगा, इतना ध्यान रखो, ठीक है. पाउंड का तो लेकिन क्वेश्चन में जो रेट है वो है पाउंड बाय यूएस डॉलर का. मैंने आपको हमेशा समझाया कि जब भी अपन को बिड एज कंसेप्ट यूज करना है मैं बेस करेंसी के हिसाब से सोचूंगा, तभी मेरा एकदम करेक्ट होएगा, ठीक है फ्रेंड्स.
अब एक चीज सोचो, मुझे पाउंड बाय करना है, बैंक पाउंड सेल करेगा, लेकिन यूएस डॉलर में ये बेस करेंसी है। अगर बैंक पाउंड सेल करेगा तो बैंक यूएस डॉलर बाय करेगा, तो बैंक जब भी बाय करता है तो वो कौन से रेट से करता है? सस्ते रेट से। तो मेरा रेट कौन सा होता है? ये बिड रेट। और जब कस्टमर जब भी सेल करता है तो कौन से रेट से करता है? सस्ते रेट से सेल करता है, तो भी कौन सा हो जाएगा? 0.9520 बिड रेट। सिंपल सा, ठीक है। तो अब जब मैं कैलकुलेट करूंगा, मेरा पाउंड कितना था? 3,42,000 पाउंड था। तो मैं कितना यूएस में चाहिए वाला रेट दिया, मैं डिवाइड क्यों करूंगा? बिकॉज मेरी बेस करेंसी तो यूएस डॉलर है, लेकिन मुझे जो अमाउंट दे रखा है वो पाउंड में दे रखा है। तो मुझे कितना आएगा इसका? 3,42,000 डिवाइडेड बाय 0.9520 करूंगा तो मुझे मिलेगा यूएस डॉलर 3,59,240। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था फॉरवर्ड की बात। अब है बहुत इंपॉर्टेंट जो है मनी मार्केट इन द केस ऑफ इंपोर्टर करना। सबसे पहले अपन दोनों केसेस में, इन द केस ऑफ इंपोर्टर भी है और इन द केस ऑफ एक्सपोर्टर भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये अच्छे से सीख लोगे तो आपका मनी मार्केट इन द केस ऑफ इंपोर्टर का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और मनी मार्केट इन द केस ऑफ एक्सपोर्टर का क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोनों कंडीशंस में दे रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान से देखना, ये कंडीशन है सेकंड जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट इंपोर्टर केस में क्या होता है देखना। वैसे मैंने आपको एक एक्सपोर्टर क्वेश्चन करवाया था पहले, लेकिन इंपोर्टर का पहली बार आया है, तो प्लीज ध्यान से देखना। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है कि मुझे 3,42,000 पाउंड पे करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ, जब इंपोर्ट किया है मैंने, तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं कुछ ऐसी टेक्निक लगाऊं कि मुझे पैसा भेजना ही ना पड़े, मतलब मुझे पैसा पे करने की जरूरत ना पड़े, मेरा करेंसी में कुछ एक्सचेंज ना हो, तो मैं कुछ ऐसा प्लान करूं, ऐसा मैंने सोचा। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, अब देखो मुझे 3,42,000 पाउंड पे करना है नेट, लेकिन मुझे वो कब करना है? 3 मंथ्स बाद करना है, अभी नहीं करना है। तो मैंने क्या सोचा फ्रेंड्स कि अगर मुझे 3 मंथ्स बाद पे करना है तो मैं कुछ ऐसी टेक्निक लगाऊं कि 3 महीने बाद कोई थर्ड पार्टी 3,42,000 पे कर दे, जो भी इंपोर्टर है उसको, और मुझे कोई करेंसी एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन करना ही ना पड़े। सिंपल सा आंसर। तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखो इसमें क्या होता है, सपोज करो मैं इंपोर्टर, ठीक है, मुझे पे करना है 3,42,000 पाउंड। सिंपल सा आंसर, ठीक है। तो अब मैंने क्या सोचा कि मुझे 3,42,000 पे करना है, तो मैं उस हिसाब से करूं कि मेरे को 3 महीने बाद करना है पे, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से करूं कि मुझे पे ना करना पड़े, कोई थर्ड पार्टी मुझे पे करे। तो मैं क्या किया पाउंड, तो मैं तो बंदा हूँ यूएस का, ठीक है, लेकिन मुझे पे किस में करना है? 3,42,000 पाउंड में पे करना है। तो मैंने क्या किया, जो यूके की जो बैंक है ना, उससे मैंने बात करी कि सपोज अगर मेरे को पाउंड तो करना है 3 महीने बाद पे, तो मैं अगर सपोज करो मेरे पास अभी पाउंड हो किसी तरह, 3,42,000 पाउंड हो, तो मैं वो इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे पैसा तो 3 महीने बाद पे करना है। तो तब तक मैं ये 3 महीने पैसा करूंगा क्या? इससे अच्छा मैं इसको इन्वेस्ट कर दूँ। तो मैंने यूके में बैंक से बात करी कि मुझे 3,42,000 पाउंड पे करना है एट लास्ट 3 मंथ्स, तो मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि जिस तरह एट लास्ट 3,48,000 आप डायरेक्टली उस इम्पोर्टर जिसने मेरे को इम्पोर्ट किए गुड्स उसको आप पे कर दो, जो भी पार्टी है, ठीक है। तो यूके बैंक से पूछा, तो जो बैंक का रेट दे रखा है, देखो उसमें रेट और करंट मनी मार्केट रेट आज फॉर उस यूके का रेट दे रखा है 10% और 12% पर एनम, ठीक है। तो मुझे यूके में इन्वेस्ट करना है फ्रेंड्स। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं ना उसका रेट कम होता है, और जब भी हम बोरो करते हैं तो उसका रेट ज्यादा होता है, ये आपको पता ही होगा, नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो अब इसमें कैसा है कि यूके में मुझे 10% पर एनम इन्वेस्ट करने का पैसा मिल रहा है, लेकिन मुझे तो कितने मंथ से इन्वेस्ट करना है? 3 मंथ्स। तो जब तो मेरा रेट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10% × 3/12 = 2.5%, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब अगर मैं इतना अमाउंट इन्वेस्ट करूं कि 2.5% इंटरेस्ट मिलने के बाद मुझे अमाउंट मिल जाए 3,42,000 पाउंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो
तो ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि कितना अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखिए इन्वेस्ट 342,000 पाउंड डिवाइडेड बाय 1.025, ठीक है फ्रेंड्स, 1.025 हो जाएगा, क्यों 2.5% तो 1.025, तो मुझे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 342,000 डिवाइडेड बाय 1.025, सो मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा 333,658.53 पाउंड। देखते हैं मैं राउंड ऑफ किया, क्या किया, राउंड ऑफ फिर कर दिया, 333,658 पाउंड मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे इतना पता चल गया कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 333,658 पाउंड का कहीं से जुगाड़ करूं और मैं वो इन्वेस्ट कर दूं यूके बैंक में, तो मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी है, बैंक ही डायरेक्टली वो थर्ड पार्टी को पे कर देगा और मुझे उसके बाद कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी उधर पे जाने की या तो कुछ पे करने की, ठीक है, सिंपल सा। तो पहला स्टेप क्या था, मुझे इतना अमाउंट निकालना है पाउंड में कि इन्वेस्ट मैं इतना कर सकूं और जब एट लास्ट मेरे को इंटरेस्ट के साथ यूके में इतना मिल जाए, एक तरह का प्रेजेंट वैल्यू निकाला है मैंने आज का, 342,000 तीन महीने का इतना मिलेगा, तो आज की प्रेजेंट वैल्यू इसकी होगी 330,658 पाउंड, सिंपल सा, ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकंड स्टेप देखना ध्यान से, अभी बात समझो फ्रेंड्स, मेरे को 333,658 पाउंड इन्वेस्ट तो करना है पर मेरे पास आएगा कुछ, मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो यूएस डॉलर है ना उसमें कन्वर्ट, उस मतलब यूएस डॉलर बोरो करूंगा तभी मैं उसको कन्वर्ट करके पाउंड बाय कर सकूंगा, सिंपल समझ रहे हो, कि मुझे यूएस डॉलर बोरो करना पड़ेगा और मैं अगर डॉलर दूंगा तो मुझे पाउंड मिलेगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अब मैंने क्या किया फ्रेंड्स, अब मुझे ये सोचना है कि मुझे कितना यूएस डॉलर चाहिए तो मैं उतना पाउंड खरीद सकूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा कितना था अमाउंट इन्वेस्ट जो करने वाला था मैं, वो था 333,658। अब एक बात सुनो, अब एक बात समझना, ये पाउंड की बात हुई, तो मुझे करना पड़ेगा कन्वर्ट पाउंड इनटू डॉलर, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा पाउंड इनटू डॉलर, तो ये बात समझो, अब एक बात समझो, इसमें पाउंड है 333,658, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में रेट दे रखा है पाउंड बाय यूएस डॉलर का जो करंट स्पॉट रेट है, सॉरी जो करंट स्पॉट रेट है वो दे रखा है 0.9830 और 0.9850, ये बिट दे रखा है, ये आज दे रखा है। अब एक सिंपल सा चीज समझो, अब यहां पर इसमें कैसा है फ्रेंड्स कि मुझे पाउंड को कन्वर्ट करना है डॉलर में, ठीक है, तो इसमें कैसा है कि मेरे को यूएस डॉलर जो है, मुझे जो पाउंड है पाउंड को कन्वर्ट करना है डॉलर में, तो सबसे पहले इसमें चीज क्या है कि मुझे पाउंड चाहिए तो मुझे पाउंड बाय करना पड़ेगा, मुझे पाउंड बाय करना पड़ेगा, तो अगर मैं पाउंड बाय करूंगा सिंपल सा तो मैं डॉलर सेल करूंगा, अगर मैं पाउंड खरीदना चाहता हूं कस्टमर होते हुए तो मैं डॉलर सेल कर रहा हूँ मतलब, ठीक है, और अगर मैं डॉलर सेल कर रहा हूँ तो बैंक डॉलर बाय कर रहा होगा, तो बैंक जब भी बाय करता है बेस करेंसी यूएस डॉलर तो हमेशा सस्ते रेट से करता है, तो कौन सा रेट होगा 0.9830, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब मैंने इसको कन्वर्ट किया 333,658 डिवाइडेड बाई 0.9830, सो आई विल गेट 339,428 US डॉलर। आपको समझ में आया फ्रेंड्स मैंने क्या किया, मुझे इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना था पाउंड में, तो मेरे पास तो पाउंड है नहीं, तो मैं पाउंड बाय करूंगा, मैं पाउंड बाय करूंगा तो यूएस डॉलर मुझे सेल करना पड़ेगा, सिंपल सा कंसेप्ट, और अगर मैं यूएस डॉलर सेल कर रहा हूँ तो बैंक यूएस डॉलर बाय करेगा, तो बैंक कौन से रेट पे यूएस डॉलर बाय करेगा 0.9830, तो उतना कितना यूएस डॉलर मुझे
सेल करना पड़ेगा और बैंक बाय करेगा 339,428 US डॉलर। अब बात क्या है फ्रेंड्स, मेरे पास तो US डॉलर भी नहीं, सिंपल सा। अब मेरे पास US डॉलर नहीं है, मैं US का सिटीजन हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं US डॉलर बोरो करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं US डॉलर, सबसे पहला स्टेप क्या होता है इंपॉर्टेंट केस में, कि मुझे देखना देखना है कि पहले इन्वेस्ट कितना मुझे अमाउंट करना है, ठीक है। उसके बाद मुझे कन्वर्ट करना है जितना पाउंड को डॉलर में, जितने मेरे को जितना अमाउंट चाहिए होगा डॉलर में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। कितना डॉलर मुझे चाहिएगा पाउंड में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो 339,428 मुझे चाहिए होगा डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब तो मेरे पास डॉलर भी नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं डॉलर अब बोरो करूँगा, ठीक है। मैं US का सिटीजन हूँ, किसी भी तरह मैं डॉलर बोरो कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब मुझे बोरो कितना करना है डॉलर, के लिए मेरा कितना हो जाएगा 13 × 3/12, सो आई विल गेट 13 × 3/12, तो मुझे मिलेगा 3.25% इंटरेस्ट, ठीक है। तो मुझे 3.25% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कितना डॉलर पे, तो जब मैं कैलकुलेट करूंगा 3.25% ऑफ 339,429, तो मुझे मिलेगा 11,031, 11031। तो इसको मैं ए मानूं, इसको मैं बी मानूं, तो मेरा कितना हो जाएगा 339,429, तो मेरा अमाउंट हो जाएगा 350,460 A+B, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया, तो मुझे कहानी क्या हुई फ्रेंड्स, कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब उल्टा सोचना इसमें क्या किया, स्टेप उसी तरह करना है जिस तरह मैंने बताया है, लेकिन अब आप सोचोगे तो अच्छे से समझ लेगा। मैंने 350,000 मेरे को 339,429 बोरो करना था अमाउंट US डॉलर, क्यों, क्योंकि मुझे पाउंड में इन्वेस्ट करना है कितना अमाउंट, जितना मैंने पहले कैलकुलेट किया था 3 लाख कितना आ रहा था 30,650 वो कन्वर्जन का, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ से बोरो कर लिया तो मुझे इधर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो इतना मुझे इंटरेस्ट ना, तो नेट जब मुझे डॉलर में आ रहा है तो 350,460 US डॉलर मेरे पास आ रहा है, इतना मेरे पास US डॉलर मेरे को पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं मनी मार्केट यूज करता हूँ, और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें था मेरा 359,244, तो मेरे लिए सिंपल इस क्वेश्चन में एम्पोर्ट इम्पोर्टर वाले में मनी मार्केट हैज ही मेरे लिए बेटर ऑप्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या होता है मनी मार्केट हैज इन द केस ऑफ इम्पोर्टर, देखो फ्रेंड्स एक्चुअली ये एग्जाम रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन तो नहीं बता पाऊंगा इसमें, लेकिन आपको एक सिंपल सा टेक्निक जरूर बता सकता हूँ उसमें क्या होता है। एक नॉर्मल सी चीज़ देखना, आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं लिखवा देता हूँ आपको, मैंने एक्सपोर्टिंग केस में देखा है आपको, कि जब भी मनी मार्केट इन द केस ऑफ इम्पोर्टर होता है ना फ्रेंड्स, तो जो क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ था ना, जैसे इसमें दिया हुआ था पाउंड, ठीक है, क्वेश्चन में अमाउंट दिया था पाउंड, तो उस चीज को आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, उस चीज को आप हमेशा इन्वेस्ट करते हो, तो जो दूसरी करेंसी होगी फ्रेंड्स उसको आप बोरो करोगे, ये रूल है, इतना मतलब। कभी भी दिख जावे कि मनी मार्केट इन द केस ऑफ इम्पोर्टर दिख जा रहे हैं, तो ज्यादा सोचना मत, एग्जाम टाइम में इतना टाइम नहीं मिलता है सोचने का, तो जो क्वेश्चन में करेंसी गिवन है ना वो इन्वेस्ट होगी, तो बोरो कौन सी होगी, जो दूसरी करेंसी होगी। ऑलवेज रिमेंबर, जो क्वेश्चन में करेंसी गिवन है, जैसे इसमें पाउंड थी 342,000 pound, तो वो मैंने इन्वेस्ट करी, और बोरो मेरे को US डॉलर करना पड़ा, सिंपल सा। और एक्सपोर्टर में उल्टा हो जाता है, कि जो क्वेश्चन में करेंसी गिवन है ना उसको अपन बोरो करते हैं और इन्वेस्ट अपन अदर करेंसी करते हैं। अभी जब एक्सपोर्टर कॉन्सेप्ट करेंगे अपन, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो अब एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सबसे पहले सेकंड पार्ट क्या है फ्रेंड्स वो पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन।
उसमें बोल रहा है कि द इंडियन कस्टमर हैज बीन इनवॉइस फॉर 1,38,000, ये पॉइंट हम कर चुके हैं, एंड द फ्रेंच कस्टमर हैज बीन इनवॉइस फॉर यूरो 5,90,000 पेबल इन 4 मंथ्स. ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर कौन है, कोलंबस सर्जिकल, ठीक है, वो एक्सपोर्टर है, तो फ्रांस से उसको कितना पैसा मिलने वाला है, यूरो 5,90,000. ठीक है फ्रेंड, अब उसको ये पैसा 4 महीने बाद आने वाला है, तो उसने ये सोचा कि मेरे को पैसा कम ना मिले तो इस हिसाब से मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ. जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो मेरे को अमाउंट, जो मेरे को करेंसी देखिए, यूएस डॉलर अपॉन यूरो मुझे दे देगा, यूएस डॉलर अपॉन यूरो, मतलब मेरी बेस करेंसी यूरो है, तो इतना तो मुझे पता चल गया कि ये होने वाला है मल्टीप्लाई. अब आप सोचोगे रेट कौन सा, अब एक बात समझो, ठीक है, मेरे पास यूरो आने वाला है, मेरे पास यूरो आने वाला है 4 महीने बाद, तो अगर मैं यूरो सेल करूँगा तो बैंक यूरो बाय करेगा और बेस करेंसी भी यूरो है, तो यूरो कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, 1.9510. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप देखोगे कि बिट रेट, रेट क्या चल रहा है, क्या था इसमें, यूएस डॉलर अपॉन यूरो, तो उसमें रेट रखा है 4 मंथ्स फॉरवर्ड का 1.9510 और 1.9540. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो मेरी फॉरेन, जो मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये यूरो का रेट है और ये मुझे यूरो में दे रखा है 5,90,000, तो अगर मेरे पास यूरो है तो मैं यूरो सेल करूँगा, बैंक यूरो बाय करेगा, बेस करेंसी मेरी यूरो है, तो बैंक जब भी बाय करता है तो वो सस्ते रेट से बाय करता है और कस्टमर जब भी सेल करता है तो सस्ते रेट से सेल करता है, तो कौन सा ही होता है 1.9510. तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मुझे अमाउंट मिलेगा 5,90,000 इंटू 1.9510, तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा इसमें कितना मिल जाएगा, US डॉलर 1 करोड़, कितना है कैलकुलेट करना पता ही नहीं, 5,90,000 1.9510, सो आई विल गेट 11,51,090. इतना मुझे यूएस डॉलर रिक्वायर्ड होगा, अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ तो इतना मुझे यूएस डॉलर मिलेगा, सिंपल. अब अपन आते हैं फ्रेंड्स मनी मार्केट इन द केस ऑफ एक्सपोर्टर. ठीक है, पहले इंपोर्टर का केस था, अब अपन करेंगे मनी मार्केट इन द केस ऑफ एक्सपोर्टर. अब क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया कि मनी मार्केट एक्सपोर्टर, इसमें क्या होगा, सिंपल सा कंसेप्ट देखना, मैंने आपको क्या बताया था इंपोर्टर केस में, ये इंपोर्टर केस में देखना, इंपोर्टर केस में इन्वेस्ट करना है करेंसी जो गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, जो अमाउंट जिसका गिवन है, और बोरो करना है अदर करेंसी. ये लिख लेना प्लीज कि इंपोर्टर के केस में वो करेंसी इन्वेस्ट करनी है, जैसे पाउंड दे रखी थी तो वो मुझे इन्वेस्ट करनी है, जो अदर करेंसी थी यूएस डॉलर मुझे बोरो करनी है. कोई भी क्वेश्चन आ रहा है इंपोर्टर में तो हमेशा ध्यान रखना, इन द केस ऑफ इंपोर्टर जो करेंसी क्वेश्चन में गिवन है, जो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 3,42,000 से पाउंड था, तो वो मुझे इन्वेस्ट करना है और जो अदर करेंसी है मुझे बोरो करनी है, ऑलवेज रिमेम्बर. और यही मनी मार्केट इन द केस ऑफ एक्सपोर्टर उल्टा होता है कि जो करेंसी मुझे क्वेश्चन में गिवन है वो मुझे बोरो करनी है. करेंसी गिवन इन क्वेश्चन अमाउंट, करेंसी गिवन और अमाउंट गिवन इन क्वेश्चन, वो मुझे बोरो करनी है और इन्वेस्ट कौन सी करनी है, अदर करेंसी जो है. ठीक है फ्रेंड्स, इतना सिंपल सा है. अब इस केस में क्या होगा देखना, मनी मार्केट में केस ऑफ एक्सपोर्टर में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पर फिर मैं बता देता हूँ उसमें, और पहले जो मैंने क्वेश्चन किए थे, देखो इसमें कैसा है फ्रेंड्स कि मनी मार्केट एक्सपोर्टर है, मुझे कितना आने वाला है यूरो 5,90,000, लेकिन मुझे वो कब आने वाला है, मुझे वो आने वाला है 4 महीने बाद, पर मुझे क्या, मुझे तो अभी ही जरूरत है ऐसा मान लो, तो मैं क्या करूँ कि मुझे यूरो 5,90,000 अभी मिल जाए, सिंपल सा मैं बोरो कर लूँगा. मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन में करेंसी गिवन है एक्सपोर्टर केस में वही बोरो होगी, तो मैं बोरो करूँगा क्या यूरो, कितना, अब कितना बोरो करूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. एक नॉर्मल चीज़ समझो कि मुझे 4 महीने बाद सेम की सेम स्टोरी बनेगी कि सपोज करो ये मैंने यूरो जो बैंक है फ्रांस की बैंक, ठीक है,
अब फ्रांस की बैंक से ये कॉन्ट्रैक्ट किया है मैंने, और मैं जो भी हूँ क्या नाम है इसमें, कोलंबस सर्जिकल। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं इतना अमाउंट ही बोरो करूं कि एट लास्ट जब मुझे एक्सपोर्ट का पैसा आ रहा है 590,000, तो वो डायरेक्टली फ्रांस बैंक में मैं जाके पे कर दूं। सिंपल समझ कि मुझे इतना ही बोरो करना है अमाउंट कि मैं जब लास्ट में मेरे पास पैसा आवे 590,000 उस पार्टी से, तो डायरेक्टली मैं बैंक में जाके दे दूँ। सिंपल समझ। तो उसके लिए भी क्या होगा फ्रेंड्स, 590,000 और जितना बोरो का इंटरेस्ट रेट है उसका मैं प्रेजेंट नहीं निकाल पाऊंगा। अभी मैं देखूंगा तो मैं यूरो बोरो कर रहा हूँ, तो बोरो फ्रांस का रेट क्या चल रहा है, 16%। ठीक है फिक्स 16% चल रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो 16% 4 month, 3 month, मतलब देखो 16% पर एनम है। ठीक है, तो 16% अगर पर एनम है, ये तो 4 by 12 वाला कितना होगा फ्रेंड्स, 16 into 4 by 12 5.33%। ठीक है, 4 months का। तो इसकी भी मैं प्रेजेंट में निकाल दूंगा 1.0533। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे अमाउंट मिलेगा 5,90,000 डिवाइडेड बाय 1.0533, सो आई विल गेट द अमाउंट 5,60,144 यूरो। इतना मुझे अमाउंट बोरो करना पड़ेगा। तो फिर एट लास्ट जब मेरे पास अमाउंट आएगा 5,90,000 यूरो, तो मैं जाके बैंक में पे कर दूँ। तो इधर की कहानी तो खत्म हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, कि मुझे इतना बोरो करना है यूरो, और मैं इतना फिर जाके मेरे को जब पार्टी से पेमेंट आएगा तो मैं पे कर दूंगा। सिंपल सा कंसेप्ट। अब नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, कि मैंने बोरो तो किया, लेकिन अब इस बोरो अमाउंट का मेरे को फायदा लेना है। क्या आ गया मेरे पास, सॉरी ये 590,000 फ्रेंड्स यूरो नहीं, मेरे पास वॉर है। क्या बोलते हैं सेकेंड करेंसी कौन सी है इसमें, कौन थी, यूएस है, यूएस डॉलर। सॉरी फ्रेंड्स, कल क्वेश्चन एक अधूरा रह गया था, जो क्वेश्चन नंबर 45 था। अपन कर रहे थे कि मनी मार्केट इन द केस ऑफ एक्सपोर्टर, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि मुझे कितना चाहिए होगा, 5,60,144 मुझे यूरो बोरो करना होगा। ये मैंने आपको कल बताया था, एटलीस्ट जो भी सेशन हुआ। अब 5,60,144 यूरो मुझे चाहिए। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब मुझे 5,60,144 मैं बोरो करूँगा यूरो, इतना मैंने आपको कल बता दिया था। अब मैं क्या करूँगा, मैं कन्वर्ट करूँगा यूरो को इनटू यूएस डॉलर। ठीक है, मैं कन्वर्ट करूँगा यूरो को यूएस डॉलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब मुझे कन्वर्ट करना है तो उसमें मैं क्या देखूंगा कि यूएस का रेट चल रहा है 11.5, सॉरी यूएस का रेट चल रहा है यूएस डॉलर बाय यूरो का रेट चल रहा है स्पॉट में 1.8890 और 1.8920। अब सिंपल सी चीज है फ्रेंड्स, इसमें कैसा है कि मुझे यूरो कन्वर्ट करना है यूएस डॉलर, तो मैं यूरो सेल करूँगा। कस्टमर के पास यूरो पड़ा है तो कस्टमर यूरो सेल करेगा, बैंक यूरो बाय करेगा। तो बैंक जब बाय करता है तो वो हमेशा सस्ते रेट में करता है, तो कौन सा होगा, बेड रेट, सिंपल सा। और कस्टमर जब सेल करता है तो कौन सा रेट में करता है, सस्ते रेट में, वो भी कौन सा होगा, 1.8890। मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो 5,60,114144 इंटू 1.8890 तो मुझे कितना अमाउंट मिल जाएगा फ्रेंड्स। ओ आई एम रियली सॉरी, ये यूरो ही दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे रेट है वो भी यूरो दिया हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1.8890। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा सो आई विल गेट 5,60,144 इंटू 1.8890, सो मेरा अमाउंट हो जाएगा 1,058,112 US डॉलर। सिंपल सा कंसेप्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये 113 ले लो, पॉइंट बाहर तो 113 हो गए। अब एक बात समझो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया था मनी मार्केट इन द केस ऑफ एक्सपोर्टर, मैंने वो करेंसी इन्वेस्ट करी, नहीं वो करेंसी मैं बोरो करूंगा जो क्वेश्चन में गिवन है। मुझे क्वेश्चन मुझे कौन सी गिवन थी, यूरो, तो मैंने वो करेंसी बोरो करी। लेकिन मुझे कितना अमाउंट बोरो करना था
कि जब मुझे पेमेंट आने वाला हो 4 months बाद, तो उतना उस डायरेक्टली जिस बैंक से मैं बोरो कर रहा हूँ उसको वो पे हो जाए। तो मैंने उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला था, तो प्रेजेंट वैल्यू मुझे मिला था 5,60,144 यूरो। फिर उस यूरो को मैंने कन्वर्ट कर दिया US डॉलर में, तो मुझे अमाउंट मिल गया 10,58,113 US डॉलर। ठीक है, ये भी स्पॉट में है, तो मैं इसको यूटिलाइज कैसे करूँगा? अब मैं इन्वेस्ट करूँगा US डॉलर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब मैं इन्वेस्ट करूँगा US डॉलर को, तो जब मैं इन्वेस्ट करूंगा यूएस डॉलर को, थर्ड स्टेप मेरा होगा इन्वेस्ट। इन्वेस्ट क्या करूंगा मैं? अदर करेंसी, कौन सी? इसमें यूएस डॉलर। तो इन्वेस्ट करूंगा अगर मैं यूएस डॉलर को, तो सिंपल मेरा अमाउंट आ रहा था US डॉलर 1058113 कन्वर्ट करने के बाद। अब उसमें मैं ऐड करूंगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मुझे कितना मिल रहा है फ्रेंड्स? सिंपल सा मैं देखूंगा कि यूएसए में इन्वेस्ट करने का रेट है 11.5%, वो पर एनम दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पर एनम दिया हुआ है, लेकिन मेरे को तो कितने मंथ्स का चाहिए? 4/12, तो मुझे कितना मिलेगा फ्रेंड्स? तो मुझे मिलेगा 3.83%, इतना मुझे मिलेगा। 11.5 × 4/12 = 3.83% मुझे मिल जाएगा। तो जब मैं कैलकुलेट करूँगा US डॉलर 1058113 का 3.83%, सो आई विल गेट 40526। तो इसे मैं ए मान लेता हूं और इसको मैं बी मान लूंगा। तो जब मैं इन दोनों को कैलकुलेट करूंगा तो मुझे अमाउंट मिलेगा, तो कितना हो गया? 1098639। ठीक है फ्रेंड्स, 1098639 यूएस डॉलर मुझे पड़ेगा मनी मार्केट के केस में। सिंपल सा कंसेप्ट, तो 1098639 मेरे को यूएस में पड़ेगा मनी मार्केट केस में, मतलब मुझे इतना पैसा मिलेगा एक तरह से देखा जाए तो। मुझे 1098639 यूएस डॉलर मेरे को मिलेगा अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, इतना मिल रहा है मनी मार्केट का हेजिंग कर रहा हूँ तो। लेकिन अगर मैं वही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ तो मुझे 11,51,090 का मिलेगा। तो मुझे एक्सपोर्ट में पैसा आने वाला है, तो जहाँ मुझे पैसा ज़्यादा आएगा मैं वो वाला कॉन्ट्रैक्ट चूज करूँगा, तो मैं इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चूज करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा आपको डाउट होगा क्योंकि कल मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा था इसको, तो मैंने आज ही अलग किया। तो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट क्या था फ्रेंड्स, कि सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें एक्सपोर्टर था, एक्सपोर्टर को 5,90,000 यूरो आने वाला था। सिंपल सा कंसेप्ट, 5,90,000 यूरो आने वाला था। तो मैंने क्या किया कि मेरे को पैसे की ज़रूरत अभी थी, तो मैं क्या करूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत तो अभी है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यूरो वाली जो फ्रांस की बैंक है उसके पास गया। मैंने उससे बोला कि मुझे 5,90,000 यूरो मतलब का यूरो चाहिए, मतलब मेरे को एट लास्ट मैं 4 months बाद आपको पे कर दूँगा। तो बैंक ने तो क्या बोला कि मैं आपको इंटरेस्ट बोरो कर रहे हो तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या पूछा बैंक से कि मैं कितना अमाउंट करूँ कि जब लास्ट में जब मेरे को 4 महीने बाद पैसा आ जाए तो मेरे को 5,90,000 एट लास्ट पे कर सकता, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने बोला कि आप 5,60,144 यूरो, कितना ही है ना, 5,60,144 यूरो आप बोरो कर सकते हो इतना ही, और उसके बाद आपको पे लास्ट में इंटरेस्ट 5,90,000 ही करना पड़ेगा। तो वो कैसे आया 5,60,144? 5,90,000 डिवाइडेड बाई जो भी रेट चल रहा था 1.0533%, मतलब 5.33%, शायद से परसेंटेज उसका होगा आई थिंक 16% होगा, उसको मैंने 4/12 किया तो वो मेरा बोरो करने का रेट हो गया 4 months का 5.33%। तो मैंने उससे निकाल दिया 5,60,144 यूरो, इतना यूरो मुझे बोरो करने का था। अब वो जो मैंने बोरो किया यूरो वो मैं कन्वर्ट कर दूंगा यूएस डॉलर में, क्यों? क्योंकि मैं तो यूएस का सिटीजन हूँ तो मैं यूएस में इन्वेस्ट करूँगा। तो मैंने यूएस में इन्वेस्ट किया तो मुझे कन्वर्ट करने में अमाउंट मिला 1058113, उस पर मेरे को इंटरेस्ट कितना मिला यूएस में इन्वेस्ट करने का 3.83%। तो मेरे को टोटल अमाउंट मिल गया 1,098639 यूएस डॉलर जब मैंने दोनों को ऐड किया, लेकिन मेरे को फॉरवर्ड में अमाउंट कितना मिला 11 लाख समथिंग मिल रहा है। तो ऑब्वियसली मेरे को इसमें इतना यूएस डॉलर ही मिल रहा है और उसमें 11 लाख मिल रहा है, तो मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चूज करूँगा। सिंपल सा कंसेप्ट था मनी मार्केट इन द केस ऑफ एक्सपोर्टर में आपको बताया, मनी मार्केट इन द केस ऑफ एक्सपोर्टर भी बताया। अब एक मेरे को मेन चीज़ आपको लिखानी है तो आप ध्यान से लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस जब भी एक्सपोर्टर है इम्पोर्टर क्वेश्चन आप सिंपली कर सकते हो। देखो, मनी मार्केट इंपोर्टर, मनी मार्केट इंपोर्टेंट, मनी मार्केट इंपोर्टर, इन्वेस्ट
करेंसी गिवन इन क्वेश्चन, करेंसी अमाउंट लिख दो, करेंसी अमाउंट गिवन इन क्वेश्चन। तो बोरो कौन सी होगी, जो अदर करेंसी। इस क्वेश्चन के केस में क्या था, इन्वेस्टमेंट पाउंड, क्योंकि पाउंड था मेरे पास 342,000 जो मैंने निकाला था। बोरो कौन सा था, यूएस डॉलर। ठीक है, सिंपल आपको समझ में आया। मनी मार्केट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर था, बोरो कौन सी करेंसी गिवन इन क्वेश्चन। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, करेंसी गिवन इन्वेस्ट अदर करेंसी। ठीक है, बोरो कौन सी थी करेंसी, इसमें यूरो के क्वेश्चन में वही गिवन थी, और इन्वेस्ट कौन सी थी, यूएस डॉलर। बस अब एक चीज में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में करेंसी गिवन है उसको आपको इन्वेस्ट करना है इंपोर्टेड केस में, और दूसरी करेंसी को बोरो करना। सिंपल सा, इंपोर्टेड केस में हमेशा ऐसे होने वाला है, एक्सपोर्टर केस में सिंपल होगा। बोरो कौन सी, जो क्वेश्चन करेंसी में दे रखा है, यूरो दे रखा था तो यूरो बोरो कर लिया, और जो इन्वेस्ट कौन सा कर लिया, यूएस डॉलर। सिंपल, बाकी इतना सिर्फ मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, यही कंसेप्ट है स्पोटिफाई का। बहुत लंबा टाइम लिया मैंने, रीजन सिंपल था कि मेरे को इंपोर्टर एक्सपोर्टर का दोनों कंसेप्ट बताना था, जितना मैं एग्जाम एडवाइस बता सकूँ उतना मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप क्वेश्चन आगे ट्राई करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा, या अपन क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे आते समझ में आता।